तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 साल पहले जब हम हुबली में थे, लास्ट जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोग हुबली में थे, भाईजान के ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो 1-1.5 महीने के लिए वहाँ पर थे, तो इंडिपेंडेंस डे वहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया था। अजमा के स्कूल से भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, ऑनलाइन इंडिपेंडेंस डे जो है अजमा ने सेलिब्रेट किया था, तो हम सब ने भी वहाँ पर टेरेस पर अच्छे से इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया था। वही थोड़ी बहुत क्लिप्स थे तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पिछले साल जब हम इस घर में नए नए से शिफ्ट हुए थे, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो मोदी जी ने कॉन्सेप्ट निकाला था, तो वो हमने यहाँ पर हमने भी घर में सेलिब्रेट किया है, आपा ने भी और हमने भी यहाँ पर इस तरह से तिरंगा लहराया था। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। तो आज की डेट है 17 और दिन है थर्सडे। तो आज का मेरा ये जो व्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि ये जो व्लॉग है इंडिपेंडेंस डे वाला है बहुत लेट हो गया, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंस डे वाला दिन जो है उसी दिन रात में भैया की ट्रेन रिटर्न की थी। तो व्लॉग जितना दिन भर का मैंने किया था, बट मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं जो व्लॉग है एडिट करके शेयर करूँगी, यानी कि कल, लेकिन कल नहीं हो पाए क्योंकि थकान भी ज़्यादा थी, भैया चले गए थे तो काम भी बहुत ज़्यादा था, तो वो सब करते करते मुझसे नहीं हो पाया। फिर तो आज थर्सडे है और आज सुबह से अजमा को बहुत तेज़ बुखार है सुबह के 5 बजे से, तो अभी वो रिकवर कर रही है, हल्का सा भी कम हो गया, दवाई वगैरह दे दी है, बस अभी आप लोगों को दुआ करनी है मेरी बच्ची के लिए कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए ये जो व्लॉग है थर्सडे, सॉरी जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन का है, तो यहाँ पर आपा के घर जा रही थी मैं और अजमा, नहा धोकर फ्रेश हो गए थे, ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था और यहाँ पर मैं फ्लैग होस्टिंग कर रही हूँ। देखो फ्लैग होस्टिंग तो घर में इसी तरह से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने जैसा हमसे बन पाया वैसा मैं कर रही हूँ, मैं और अजमा मिलकर फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है कोई बाथरूम में है, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर है, तो मैं यहाँ पर अजमा के साथ फ्लैग होस्टिंग कर रही हूँ। राष्ट्र गीत हमने बोल लिया, फिर इसके बाद मैं और अजमा निकल चुके हैं बहुत ही हड़बड़ाहट में। हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है मेरा और अजमा का, क्योंकि जल्दी से जाना था, 10 बज रहे थे और भाईजान आपा वेट कर रहे थे कि कब तक मैं आऊँगी, तो इसी वजह से अभी जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपा के घर आते ही आपा ने मुझे मेरा, मैं अपना फ्लैग देखने के लिए आई थी, अपने घर का फ्लैग जो मैंने लगाया है, तो आपा ने अपना का भी दिखा दिया, आपा ने कुछ इस तरह से डाला हुआ है। और यहाँ पर ये जो छुटकी है मेरी भाई की बेटी है आयशु, जो कि अपने हमारे अम्मी के एरिया में जो है मदरसा नया नया खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने जो बच्चों को लेकर इंडिपेंडेंस डे किया है आलिमा ने, तो वही दिखा रहे थे। और ये जो है मेरे भांजा, जो मेरे भाई का बेटा है, सॉरी भतीजा, जो है वो अपने स्कूल में यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़े से क्लिप्स ऐड कर रही हूँ बच्चों ने किस तरह से अपने अपने स्कूल में किया है। ये अजमा के स्कूल का है, तो फिर यहाँ पर अजमा और अजमा के फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके हैं। अच्छा लगता है ना, कुछ अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। तो अभी मैं आपा के घर आ चुकी हूँ, यहाँ पर आपा के घर पर मैं आज कुकिंग करनी थी, तो यहाँ पर मैं पूरियों का आटा गूँध रही हूँ। तो आज आपा के घर बनने वाला था खीर पूरी और पुलाव बनाने वाले थे हम लोग, वेजिटेबल पुलाव, फिर इसके बाद चिकन फ्राई होने वाला था। तो यहाँ पर आपा ने खीर बना कर रखी थी, तो मैं यहाँ पर आटा गूंध रही हूँ, साथ में किचन को सेट कर लूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्तन थे, सारे मैस हो रखे थे, तो मैंने सारे बर्तनों को साइड में किया है ताकि मैं सब्जियाँ वगैरह काटूँ, क्योंकि मुझे ना मैस होगा तो जल्दी से काम नहीं हो पाता है, इस वजह से मैंने सारा सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर सारी कुकिंग आज मेरी होगी, बाहर का काम जो है आपा देख रहे हैं, यानी कि जो डस्टिंग है, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, वो सब आपा कर रहे हैं। यहाँ पर किचन में मैं हूँ, आज आपा वही बोल रहे थे, आज किचन में तू है और बाहर मैं हूँ, तो फिर वही आज पुलाव जो है आपा ने मुझे सजेस्ट किया कि तू बनाना तो अच्छा बना लेती है, तो इस वजह से मैंने पुलाव बनाने के लिए अंदर आई हूँ। तो मुझे ना आपा के घर में कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, आपा कहाँ पर कौन सी चीज़ है,
क्योंकि मैं यहाँ पर 5 साल रह चुकी हूँ, आपा के साथ में 5 साल रही हूँ, और कभी भी कुछ भी सेटिंग करनी हो तो भी मैं चली जाती हूँ, या फिर आपा सेट कर देते हैं तो मुझे दिखा देते हैं, देख मैंने यहाँ पर ये चीज़ रखी है कैसी लग रही है, तो ये हमारा चलता रहता है। वैसे जब आपा हमारे घर आते हैं तो उन्हें पूछना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो है हर हफ्ते बदलती रहती है, लेकिन आपा का ऐसा नहीं है, एक बार जब वो रख लेते हैं तो वो सेट हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं पूछती नहीं हूँ, मुझे डायरेक्ट मिल जाता है चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती थी और मुझे सारी चीज़ें पता भी रहती हैं, और कभी रखना हो तो मुझे बुला भी लेते हैं, या फिर अगर वो रखते भी हैं तो वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से कुकिंग करना था, और यहाँ पर तकरीबन बज रहे हैं 11:15 का टाइम है, 12:30 तक हमें सारी कुकिंग ख़त्म करनी है, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं वो फिर निकलने वाले हैं हुबली के लिए, तो इसी वजह से उनको जल्दी से कुकिंग करनी है। और जो गेस्ट आ रहे हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, तो फिर उनके लिए इसी वजह से पुलाव बना रहे हैं हम लोग, आज कुछ भी नॉन वेज नहीं बना रहे हैं, बस चिकन फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो जेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं, भाईजान तो खैर छोड़िए उनको वेज ही देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं फरीक फरदीन है, मेरा भांजा है, फिर बाद में मेरा भाई है, अजमा के पापा, ये सब लोग पुलाव खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसी वजह से चिकन फ्राई कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा पुलाव के साथ खा लें। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर आपा जो है बाहर से अभी देखिए बर्तन ऐसे ही ब्रेकफास्ट के रखे हुए थे, तो वो सारा सब कुछ क्लीन भी कर रहे हैं, और साथ में मुझे चिकन भी धो कर दिया ताकि मैं मसाला लगा सकूँ चिकन को, और मैंने मसाला लगा कर रखा था, मैरिनेट हो चुका था तो अब फ्राई करने के लिए रख दिया है। पुलाव हमारा जो है तैयार हो गया है, पूरियाँ भी हमने सेक लिया, आपा बेल कर दे चुके थे और मैं सेक लिया मैंने, यानी कि फ्राई कर लिए हैं, पूरियाँ सिक गई हैं, फिर यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है, फिर इसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना ली क्योंकि भाईजान को खानी थी पूरियों के साथ, तो वो भी बना ली है। वैसे हमारा प्लान नहीं था मेरा और आपा का, लेकिन भाईजान ने कहा कि ये एक सब्ज़ी बना लेना अच्छा लगेगा, तो बना लिया है। चिकन फ्राई हो गया है, खीर तैयार हो गई है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा और चिकन जो है फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पर हसीन अपा जो है अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में दोनों ही हो रहा है। तो अभी मैं आई हूँ, शाम का टाइम है, घर आई हूँ वापस, शाम का तकरीबन 7:30-8 का टाइम कुछ था। यहाँ पर मैं और मेरा भांजा आए थे क्योंकि बैग सारे पैकिंग करनी थी, जैसे मैं घर आई तो मुझे घर जो है पूरा तहस नहस मिला, तो फिर मैं सब सेटिंग करने में लग गई, मेरे भांजे को लगा दिया अपनी पैकिंग करने में। और यहाँ पर देखिए रात का टाइम है, तकरीबन 10:45 हो रहे हैं, सब ने डिनर कर लिया है, मैं वापस फिर आपा के घर गई थी मैं और भांजा पैकिंग करने के बाद, वहाँ से डिनर हो गया, फिर अभी 10:45 का टाइम है क्योंकि 11:30 की इनकी ट्रेन थी, तो यहाँ पर फरदीन और अजमा के पापा जा रहे हैं इन्हें छोड़ने के लिए, तो अभी जा रहे हैं मेरा भाई और मेरा जो भांजा आए थे, तो जब तक ये थे तो अच्छा लग रहा था, मेरा भांजा मुझे चिढ़ाता रहता था, मेरे साथ मस्ती मजाक करता था, तो अच्छा लगता है ना जब अपने आते हैं होम टाउन से, तो क्योंकि हम दो ही यहाँ पर रहते हैं, मैं और आपा, कुछ भी एंटरटेन करना हो तो मैं आपा के घर चली जाती हूँ या वो यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरह से हमारा होता है। कोई जब हमारे होम टाउन से आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने जब आते हैं तो अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। तो अभी देखिए ये है नेक्स्ट डे, मेरे भाई लोग चले गए हैं, आज है 16 तारीख, तो यहाँ पर मैं अपने घर के लिए मतलब कुकिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। 2-3 दिन से हम लोग नॉनवेज खा के पक गए थे, क्योंकि एक दिन मच्छी, एक दिन चिकन, एक दिन हमने मटन खाया था, तो फिर मुझे अभी बस हो गया था, मतलब बोरियत हो जाती है बहुत ज़्यादा, नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ, मुझे सब्जियों की याद आ रही थी, तलब लग रही थी, तो मैंने अजमा के पापा से बोल कर ढेर सारी सब्जियां मंगवा ली थी और यहां पर मतलब बन भी गई हैं। और यहां पर देखिए मैंने हमारी जो बेडरूम वाली विंडो है उसमें भी यहां पर रस्सियां बांध दी, और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं ग्रिल को, मैंने पहले धोया था, मैंने सोचा था कि जो भी बिस्तर हैं वो यहीं पर डालेंगे ताकि सूख कर आएंगे, फिर मुझे आइडिया आया कि चलो मैं यहाँ पर रस्सियाँ मेरे पास रखी हुई हैं तो उनको बांध लेती हूँ विंडो में, ताकि कभी भी अगर इमरजेंसी में कपड़े ज़्यादा हो या फिर बिस्तर वगैरह हो या फिर कोई मेहमान हमारे घर आता है, यानी कि होम टाउन से जब कोई आता है,
मायके से वगैरह, तो बिस्तर तो रहते हैं या फिर कपड़े भी रहते हैं, तो फिर यहाँ पर भी मैं डाल सकती हूँ क्योंकि वो सूख सकते हैं। तो मुझे आइडिया आया कि चलो मैं स्टैंड का बार बार निकालूँ रखूँ, इस वजह से ये अच्छा है कि मैं यहाँ पर बांध लूँ, कभी भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं। देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कपड़े बिल्कुल डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार हो सकता है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपा की विंडो को मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि आपा उन लोगों को पता नहीं था कि मैंने यहाँ पर रस्सियाँ बांधी हैं। तो आपा की विंडो में ख़ास करके बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आती है, और हमारी वाली विंडो में धूप नहीं आती, लेकिन मुझे इतना गारंटी है कि कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर कपड़े डालने की वजह से अंधेरा देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, विंडो खुली है, पर्दा भी मैंने हटा दिया है जो भी कर्टन था, फिर भी अंधेरा है, यानी कि कपड़े डालें तो अंधेरा ही है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कपड़े इस तरह से अच्छा भी लग रहा था मुझे, विंडो ओपन थी और इस तरह से कपड़े डाले हुए थे। हम लोग यहाँ की विंडो खोलते ही नहीं हैं क्योंकि ये बेड है तो अच्छा नहीं लगता है विंडो खोलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक का था, मैंने इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग नहीं शेयर किया था तो आज शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, और हाँ मेरी बेटी के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।